जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के दिव्य पाठ के श्रोताओं का कथा के एपिसोड 97 में सुस्वागतम। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, रामचरित अति अमित मनीषा, कही न सखी सतकोटि अहिसा, तदपि यथाश्रुत कहूं बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। भावार्थ, हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में तनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद तारु नारी सम स्वामी, रामु सूत धर अंतर जामी, जेहि पर कृपा कही जनु जानी, कभी उर अजय नचा भी बानी। भावार्थ, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव बिसत तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां सिर्फ उमा निवासु। भावार्थ, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर के नर मुनि वृंद, बस ही तहां सुकृति सकल सेवी से सुकंद। भावार्थ, सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुक्त हम रति नाही, तेनर तहां सपने उन्हीं जाही, तेहि गिरि पर बट बिटप प्रसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भावार्थ, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वे वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिभित समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम पिटप श्रुति गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गए हो, तरु बिलो की उर अति सुखु भयो। भावार्थ, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निष्कर दासी नागरि पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुन इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भावार्थ, अपने हाथ से पागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रभु श्री राम कथा के श्रवण के उत्सुक भक्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।